हेलो फ्रेंड, श्री सदर टेस्ट गार्डनिंग में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज मैं पांच ऐसे पौधे बताऊंगी जो कि बहुत ही कम मिट्टी, बहुत कम केयर, बहुत कम पानी और खाद में चलने वाले पौधे हैं और बीज से उगते हैं, और आप एक बार गार्डन में ला लेंगे तो फिर वो कभी नहीं जाते, अपने आप से वो उगते रहते हैं। और आप बीज से भी लगा सकते हैं उनको ईजिली, कटिंग से भी लगा सकते हैं, एक पत्ते से लगा सकते हैं। तो पहला पौधा है ये, हज़ारों फ्लावर देने वाला। देखिए कितना फ्लावर और ढेर सारी ये कलियों से बिल्कुल भरा हुआ है, और इसमें मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है। ये छोटे स्पॉट में बहुत कम मिट्टी है, बस मैं थोड़ा सा इनको ऐसे पानी से सींच देती हूँ तो इनमें पानी स्टोर होता है, फ्लावर देते हैं। और बहुत ही कम खाद में आर्गेनिक इनऑर्गेनिक खाद में आप एक बार दे दो, ये एकदम फूलों और ऐसी बड़ी बड़ी कलियों से भरा रहेगा। ये पॉट गिर गया था, अभी हवा चली और देखिए कितनी कलियाँ और बड़ी बड़ी कलियाँ हैं। ये हाइब्रिड का है, इसमें से ये गुलाबी फ्लावर निकलेगा, सॉरी गुलाबी नहीं, वाइट कलर का ये निकलेगा। ये इसी तरह ये देसी, देखिए कितना ढेर सारा कलियाँ और फ्लावर आप देख सकते हैं भरा हुआ है। और ये भी पॉट ही टूट गए, पुराने हो गए, और इसमें देखिए ये बड़े साइज़ के ये फ्लावर लगे हैं, बहुत ही सुंदर। एक इस तरह का है, ये इसमें कहीं ये उगाया है, और ये इस तरह के छोटे छोटे टिमटिमाते हैं, ये पुराने पौधे हैं, इनको हमने कट नहीं किया और इन्हीं से ये ब्लैक कलर के बीज निकलते हैं इन सब में। और ये देखिए महीन महीन बीज हैं, तो इसमें भी बीज निकलते हैं, इनमें भी निकलते हैं, और ये जहाँ इनके बीज पड़ जाते हैं उगाते हैं। या छोटी सी छोटी कटिंग एक पत्ते से भी मैंने पिछले कई वीडियो शेयर किए हैं, आप देख सकते हैं। अगला पौधा है ये मॉर्निंग ग्लोरी, इसमें हमारे पास दो कलर हैं, कई कलरों में होता है। इसमें भी देखिए कितनी ढेर सारी कलियां लगी हैं, और ये सदाबहार हाइब्रिड का है, ये कई कलर है इसमें। और इधर ये बिल्कुल टिमटिमा रहे हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। छोटे से पॉट में ये देखिए बिल्कुल लगा है, भरा हुआ है ये, कहीं भी आप। अगला पौधा है ये सदाबहार, ये देखिए ये देसी भी है, ये भी अपने आप से उग जाता है, कटिंग्स लग जाता है, और एक बार गार्डन में लाएंगे फिर आपके गार्डन से कभी नहीं जाएगा। इसमें कई कलर होते हैं, ये देखिए ये वाइट है। अगला पौधा है दोस्तों ये मदार का, ये इसके भी बीज चटकते हैं, जहाँ भी ये झड़ जाते हैं मिट्टी में अपने आप से रेडी होते हैं, और ना भी आप खाद दो, ये अपने आप से बहुत ही जल्दी रेडी होता है। और देखिए बथुआ भाजी कितनी ज़्यादा इसमें मिट्टी में पड़ी होगी, अपने आप सुगाई बथुआ का भंडार है, और यही सब उखाड़ उखाड़ मैं मिट्टी में भर देती हूँ और पौधे लगा देती हूँ। अपने आप से बहुत सारा उगाया है ये, तो देखिए ये भी लगा है, ये मदार प्लांट है, और ये बहुत शुभ होता है दोस्तों। इसमें ये फल बनते हैं, ये जैसे अभी ये छोटा सा है, ये फल बनेगा, इसी में बीज होते हैं, तो ये फल चटक जाते हैं और बीज जहाँ जहाँ पड़ते हैं वहीं ये पौधा रेडी हो जाता है। और अगला पौधा है फ्रेंड्स ये अपराजिता, ये अपराजिता है जिसकी कभी पराजय नहीं होती, बहुत शुभ पौधा है घर में लगाने से, और सभी भगवान को चढ़ते हैं। और ये इसके भी बीज जहाँ चटकते हैं वहीं ये पौधे तैयार हो जाती है, ये ऐसे इसमें मटर के समान फलियाँ लगती हैं, और ये फलियाँ जब पक जाती हैं बीज झड़ जाते हैं, आप कहीं भी लगा भी सकते हैं, ना भी लगाएंगे तो हज़ारे पौधे ऐसे बनते रहते हैं। ये देखिए मैंने कुछ बीज बोए थे, ये पौधे तीन पौधे रेडी हो गए हैं, और ये छोटे से पौधे में ये देखिए कलियाँ भी बनना शुरू हो गई हैं। अभी आज इसमें फ्लावर नहीं खिले हैं, नीले कलर के खिलते हैं और वाइट कलर के, दो तरह का होता है। और ये है मॉर्निंग ग्लोरी, ग्लोरी पीली वाली है, बहुत ज़्यादा इसमें फ्लावर आते हैं। अगला पौधा है दोस्तों ये येलो बटर कप, ये भी अपने आप से जहाँ बीज पड़ते हैं तैयार हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर कितने पौधे तैयार हुए हैं, एक पौधा, दो पौधा और तीन, और ये यहाँ पर ये छोटे छोटे ये देखिए जमे हुए हैं, उगे हैं ये अपने आप से ये, तो ये बहुत ही जल्दी कम खर्च, कम मेहनत में, कम केयर में रेडी हो जाते हैं।